जो अपने परफॉर्मेंस में वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई तीसरी मूवी के बारे में, जिसका नाम है मेड इन चाइना। आप लोगों को मैं इतना ही बता दूं कि अगर एक्टर और हीरो के बीच का फर्क जानना है तो आज की तारीख में राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना की फिल्में देखो, आप लोग समझ जाओगे। तो आज इस फिल्म की बात करें जिसका नाम है मेड इन चाइना। इस फिल्म में हमें नजर आते हैं राजकुमार राव, वो एक गुजरात के बिजनेसमैन है। वो एक यंग बिजनेसमैन ही कह सकते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनका एक बेटा भी है, लेकिन उन्होंने तकरीबन 18 से 19 बिजनेस ट्राई कर चुके हैं, लेकिन एक भी बिजनेस उनका कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। तो फाइनली ठकार के अपने फादर के बिजनेस में जुड़ जाते हैं, लेकिन उस बिजनेस को भी वो कुछ अच्छी तरीके से चला नहीं पाते। तो फिर उनके काका उनको सुझाव देते हैं कि तो अपने फादर की जो शॉप है उसको बेच दो और अपने चचेरे भाई यानी कजिन ब्रदर के साथ चाइना चले जाओ। चाइना जाने के बाद आपको दो चार अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कुछ वहाँ पे बिजनेस का कुछ और बिजनेसमैन वहाँ पे मिल जाएगी, जिस वजह से तुम अपना बिजनेस नए तरीके से शुरू कर सकते हो। तो पहले वो मना करता है, लेकिन फिर वो ठकार के चला जाता है। और चाइना जाने के बाद उसे वहाँ पे कुछ बिजनेसमैन मिलते हैं और वो लोग उसे टाइगर सूप, वो टाइगर से लिंग से बना हुआ कोई सूप देते हैं, बोलते हैं कि तुम इस सूप को जाके इंडिया में बेचो। तो वो सूप को लेकर इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद उसकी मुलाकात होती है बोमन ईरानी से, जो कि यहाँ पे रोल प्ले किया सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर का, जो कि जो लोगों का जो टावर है जिसमें पावर नहीं होता है, या मतलब जितनी भी मैं भी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती मर्दों को, तो उसका इलाज करते हैं बोमन ईरानी। तो किस तरीके से बोमन ईरानी को पहले मनाते कि इस दवाई को अपन मिलके बेचेंगे, सूप को हम लोग मिलके बेचेंगे, वो सब पहले बताया। फिर उसके बाद हमें ये बताया कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी जो फिल्म है एक ऐसे लड़के के ऊपर है, ऐसे गुजराती लड़के के ऊपर, जो बहुत से बिजनेस के उसके दिमाग में आइडियाज रहते हैं, वो सब कुछ करना था लेकिन कभी भी वो सक्सेस नहीं हो पाता। लेकिन फाइनली जब वो सक्सेस होता है तो सक्सेस होने के बाद उसके क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या कुछ उसे झेलना पड़ता है, बेसिकली यही आपको मुझे बता। ये मूवी तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट की है। ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा हटके अलग था, तो इस वजह से ये मूवी मुझे पर्सनली अच्छी लगी। लेकिन मैं आप लोगों से इतना नहीं बोलूंगा कि यार ये मूवी जाके देखो ही देखो, क्योंकि ये मूवी डिपेंड करता है कि आपको पसंद आती है कि नहीं आती। क्योंकि ये मूवी कभी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, फिर कुछ कुछ चीज इसके बोर लगते हैं। और हाँ, अगर फैमिली के साथ आप लोग जाना चाहते हो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपका आपके साथ आपके बच्चे रहेंगे, बेटा रहेगा या बेटी रहेगी, तो वो पूछेंगे कि ये किस दवाई है, किस चीज की दवाई, तो आप उनको क्या चीज का जवाब देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप लोग खुले विचारों के हैं, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, बिंदास बात कर सकते हैं या फेस कर सकते हो, तो आप ये मूवी जाके जरूर देखो। क्योंकि ये मूवी मर्दों की सेक्सुअलिटी या जो उनका जो टावर में पावर नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड जो दवाई, चाहे वायग्रा हो चाहे वो शीला जी, तो उसी प्रकार की एक दवाई है जो है टाइगर सूप, जो चाइना में बना रहे हैं वो फिर उसको यहाँ बेचता है, बस वही सब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में थोड़ा हंसी आती है, थोड़ा कहीं पे थोड़ा बोर होते हो, तो ठीक ठाक है। मैं इतना ही बोलूंगा, अगर जाना है तो जाके देख सकते हो, राजकुमार राव के फैन हो, क्योंकि राजकुमार राव ने यहाँ पे कहीं पे भी बोर नहीं किया। उसने जितना परफॉर्मेंस कर सकता था उसने उतना परफॉर्मेंस किया। बोमन ईरानी ने यहाँ पर काफी फनी परफॉर्मेंस लगा मुझे, स्पेशली जो उनका स्पीच देने का जो तरीका था, एक सीन में जितने भी वो लोग सामने बैठे थे उनके मतलब एक ऑडिटोरियम में, तो लोग जितने भी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको घुमा फिरा के बोल रहे, तो बोमन ईरानी का मतलब है कि घुमा फिरा के मत बोलो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको सीधे शब्दों में बताओ, तो उसका इलाज करने में और ज्यादा मजा आता है और आप लोगों को भी समझ में आता है। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा फनी थी और वहां पर वो एक पर्टिकुलर सीन मुझे बोमन ईरानी का बहुत ज्यादा अच्छा लगा फिल्म में। उसके अलावा फिल्म की लेंथ ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आपको देखना तो आप इस हफ्ते जाके देख सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही बोलूंगा कि ये मुझे पर्सनली अच्छी लगी, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे को जरूर सब्सक्राइब करो, जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस करो। मैं आपसे कल किसी नए वीडियो, बाय।